नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और घटना चक्र का जो मोटा सा बुक है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। देखिए, कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, कह रहे हैं कि घटना चक्र से सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यूपीपीएससी वाले घटना चक्र की बात कर रहे हैं। यूपीएससी या यूपीपीएससी वाला घटना चक्र नहीं है दोस्तों, जो पीसीएस वाला घटना चक्र नहीं है, यह घटना चक्र टीजीटी पीजीटी के नाम से आएगा, मोटा बुक रहेगा जो विषय वाइज है, तो आप लोग उसे देखिए। तो आइए देखते हैं, यह 40वां भाग है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए है, डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर असुविधा होती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं और आज से मौर्योत्तर काल देखेंगे। मौर्योत्तर काल के कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह सब देखेंगे और आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या एक देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्तिकला के लिए प्रयुक्त होता है? तो मथुरा कलाशाला में कौन क्या प्रयुक्त हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त हुआ है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मथुरा के कलाकारों ने जो मूर्तियाँ बनाई है या भवन निर्माण किए हैं, उनके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का लाल चित्तेदार पत्थर काम में लाया है। मतलब मथुरा में जो भी मूर्तियाँ बनी हैं वह लाल बलुए पत्थर से बनी हैं। इसकी प्राप्ति रूपवास, टंकपुर और फतेहपुर सिकरी की खानों में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या दो, निम्नलिखित में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? तो हरप्रसाद शास्त्री ने यह व्यक्त किया है बातें, एनबीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हरप्रसाद शास्त्री ने अशोक की धार्मिक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण माना है। उनके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति बौद्धों के पक्ष में थी, जो ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों व उनकी सामाजिक श्रेष्ठता की स्थिति पर कुठाराघात करती थी। प्रश्न तीन देखिएगा, भीम खटकिसस के सिक्कों पर किस हिंदू देवता का अंकन मिलता है? तो शिव का अंकन मिलता है। भीम खटकिसस के सिक्कों पर शिव और नंदी आदि का अंकन मिलता है, तो विकल्प ए जो है सही है आपका। जी ऐसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका देखिए, भीम खटकिसस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। इनके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और नंदी की आकृतियों का अंकन मिलता है। इसने महेश्वर की उपाधि ली थी भीम खटकिसस ने। प्रश्न चार देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसने सार्थवा शब्द प्रयुक्त होता है? तो सार्थवा शब्द किस अभिलेख में प्रयुक्त हुआ है? दामोदरपुर ताम्रपत्र में सार्थवा शब्द प्रयुक्त हुआ है दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में। और यह दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो है यह बंगाल में पड़ता है। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्तकालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नगर प्रशासन में श्रेणी सार्थवा की भूमिका का प्रचलन गुप्तकाल में होता था। प्रश्न पाँच देखिएगा, मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा संबंधित है? तो यह आदमकद प्रतिमा जो है मथुरा से प्राप्त या कुषाण काल से संबंधित है। जीआईसी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। मथुरा के शिल्पी यक्ष और नाग की सुंदर मूर्तियां बनाने में अत्यंत निपुण थे। प्रश्न छः देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो सातवाहनों ने चलाया था। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, सातवाहन राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। हिंद यवन शासकों ने स्टेटो सेकंड ने भी शीशे के सिक्के चलाए थे। प्रश्न सात देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथीगुम्बा लेख उत्कीर्ण है? तो हाथीगुम्बा अभिलेख जो है किस भाषा में है? तो यह प्राकृत में है। प्राकृत में विकल्प ए जो है आपका सही है, प्राकृत में है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत हाथीगुम्फा अभिलेख है। यह उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। यह लेख प्राकृत भाषा में है एवं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है। प्रश्न आठ देखिएगा, अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर मिलता है? वो मिलता है भीम कथिसस के सिक्कों पर। शिव और नंदी का अंकन जो है भीम कथिसस के सिक्कों पर है और इसने सोने के सिक्के भी जारी किए थे भीम कथिसस ने। भीम कथिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियाँ मिलती हैं। उनका शव मतानुवायी थे वह, इन्होंने महेश्वर की उपाधि भी ली थी। प्रश्न नौ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था? तो बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित कौन था? तो मिनांडर ने।
मिलिंद पन्हों एक ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप की जानकारी मिलती है। बौद्ध भिक्षु नागसेन से शासक मिनांडर प्रभावित हुआ था। मिनांडर तथा उसके पुत्र स्टेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, उस राजवंश का नाम क्या है जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ, तो वह राजवंश कौन सा है? तो वह राजवंश है शुंग राजवंश, विकल्प बी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्दत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके इस शुंग वंश की स्थापना की, और अंतिम शुंग शासक देवहूति की हत्या वासुदेव ने करके 75 ईसा पूर्व में कड़ वंश की स्थापना की थी। लेकिन अंतोगत्वा अंतिम कड़ शासक सुसरमांग की हत्या 30 ईसा पूर्व में शिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग का चित्रण बौद्ध धर्म के संहारक के रूप में किया गया है। दिव्यावदान में थेरावली की रचना 14वीं सदी के लेखक जैन लेखक मेरुतुंग ने किया है। थेरावली की रचना इस ग्रंथ में उज्जैनी के शासकों की वंशावली दी गई है जिसमें पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख है। सातवाहनों ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भूमिदान का प्रथा प्रारंभ किया था। सातवाहनों ने ही भूमिदान की प्रथा प्रारंभ की थी। प्रश्न 11 देखिएगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, और TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2004 में। प्रश्न 12, अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के प्रवर्तक हैं? योग सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि, विकल्प सी जो है वह सही है आपका। GIC PGT में पूछा गया प्रश्न है, योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, इसके रचयिता पतंजलि ऋषि हैं, और पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी पर ही टीका पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य के रूप में। प्रश्न 13 देखिएगा, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पतंजलि, विकल्प डी। TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे, यह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रोड डाला था। यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है महाभाष्य से। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। संध्याकर नंदी ने लिखा था, रामचरित लिखा था संध्याकर नंदी ने। पद्मगुप्त किसने लिखा था? नौसहसांग चरित ने लिखा था पद्मगुप्त। नहीं, देखिए पद्मगुप्त लेखक का नाम है, पद्मगुप्त ने लिखा था नौसहसांग चरित, और संध्याकर नंदी जो पुस्तक है उसको संध्याकर नंदी ने लिखा था रामचरित। ऐसे रामचरित से बंगाल के पाल वंश के शासक धर्म और तत्कालीन समाज का ज्ञान प्राप्त होता है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। महाकवि पंप ने विक्रमार्जुन विजय, देखिए पंप, पोंड और रन, यह तीन कवि हैं जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। उसी में महाकवि पंप हैं जिन्होंने विक्रमार्जुन विजय की रचना की थी। विक्रमार्जुन विजय महाकवि पंप ने रचना की थी विक्रमार्जुन विजय, और रन ने रचना किया था गदा युद्ध का। तो पंप, पोन और रन, यह तीन लोग कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो पंप ने विक्रमार्जुन विजय और रन ने गदा युद्ध का वर्णन किया है, गदा युद्ध की रचना की थी। वाक्यपति ने गौड़वाहो तथा देखिए वाक्यपति जो थे शासक थे, और या किस वंश के शासक थे, शायद मुझे भूल रहा है, चंदेल वंश के शासक थे या परमार वंश के शासक थे, बाद में जिक्र होगा आप लोग देख लीजिएगा। वाक्यपति ने गौड़वाहो और बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है। वाक्यपति ने गौड़वाहो और बिल्हण ने विक्रमांक देवचरित की रचना की है। प्रश्न 14 देखिएगा, महाभाष के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं, PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 15, दो अश्वमेध यज्ञ निम्न में से किसने संपन्न किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने संपन्न किया था दो अश्वमेध यज्ञ, और कहाँ संपन्न किया था? अयोध्या में। TGT परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न ये। प्रश्न 16 देखिएगा, अयोध्या के लेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ किया था। इसे संपन्न कराने वाले जो पुरोहित थे महर्षि पतंजलि थे। कालिदास कृत मालविका निमित्रम से एक अश्वमेध के बारे में जानकारी मिलती है। इस संदर्भ में कालिदास कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की रक्षा का भार पुष्यमित्र शुंग के पौत्र बसुमित्र ने ग्रहण किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अशोककालीन सांची के महास्तूप की काष्ठ वेदिका के स्थान पर पाषाण वेदिका निर्मित करवाई थी। देखिए जो सांची का स्तूप है उसमें काष्ठ वेदिका लगी हुई थी जो समय के साथ नष्ट हो गई। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने वहाँ पर पाषाण वेदिका निर्मित कराई थी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म का शत्रु थे, अगर शत्रु थे तो यह सब काम क्यों कर रहे थे? तो कुछ लेखक होते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होती है, वो अपने विचार से लिख देते हैं, अपने हिसाब से वर्णन कर देते हैं। भरहूति स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन इसकी पाषाण वेदिका और तोरणों का निर्माण शुंगों के काल में हुआ था। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था, मतलब भरहूति स्तूप का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही माने जाते हैं।
प्रश्न 16 देखिएगा, मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई थी, तो शुंग वंश के शासनकाल में हुई थी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। स्मृतियाँ हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, इसका संकलन विभिन्न कालों में हुआ है। मनुस्मृति की रचना मरुत्तर युग से में शुंग काल में हुआ था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री धन पर माता के बाद पुत्रियों और उसके बाद बहुओं का अधिकार होता है। विधवाओं के लिए मुंडन की प्रथा का उल्लेख है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। मनुस्मृति के भाष्यकार जो हैं मेघातिथि कुल्लू भट्ट, गोविंद राज भारूची आदि हैं। याज्ञनेश्वर ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। याज्ञल स्मृति में स्त्रियों को सर्वप्रथम संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। नारद स्मृति गुप्तकालीन स्मृति है, इसमें नियोग प्रथा और स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। देवल स्मृति में पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, इसमें मूलतः विधि विषयक नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता है जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, इसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता, क्योंकि इसने यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है, और यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे, तो गार्गी संहिता में इसका उल्लेख है, विकल्प बी। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा, यौनों के आक्रमण का उल्लेख महाभाष्य में भी है, गार्गी संहिता में भी है, मालविकाग्नि मित्र में भी है, लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुँचने का उल्लेख केवल गार्गी संहिता में है। गार्गी संहिता की युग पुराण खंड में यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि यवन आक्रमण साकेत पंचाल मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज मतलब पाटलिपुत्र तक आ गए हैं। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। महाभाष्य से पता चलता है कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला। माध्यमिका कहा जाता था चित्तौड़ को। इससे भी याद कर सकते हैं कि चित्तौड़ जो है वो आपका राजस्थान में है, और अगर पाकिस्तान नहीं बना होता तो जो चित्तौड़ था वह हमारे देश का मध्य भाग होता। ऐसे माध्यमिका पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बने होते तो भारत का जो केंद्र होता वह आपका चित्तौड़ माना जाता। मालविकाग्नि मित्रम के अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाहिनी किनारे पर यौनों को पराजित किया। प्रश्न 18 देखिएगा, मालविकाग्नि नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित थे, तो शुंग वंश से संबंधित थे, विकल्प बी। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मालविकाग्नि मित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र शुंग राजवंश से संबंधित थे। यह महाकवि कालिदास का नाटक ग्रंथ है। इसमें शुंगकालीन राजनैतिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र विदिशा के राज्यपाल तथा उनसे विदिशा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, और कालिदास यौन आक्रमण का उल्लेख भी करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, शुंग वंश को महर्षि पाणिनि ने भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। मालविकाग्नि मित्र में पुष्यमित्र को पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक कुल का बताया गया है। अग्निमित्र को बैम्बिक कुल का बताया गया है। बौद्धायन सूत्र पता चलता है कि बैम्बिक कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। प्रश्न 19 देखिएगा, भगिलय की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं। भगिलय की मुद्राएं जो हैं कहाँ से प्राप्त हुई हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, भगिलय की मुद्राएं मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं। यह पंचमार्ग तांबे की मुद्रा पर बैल पेड़ सूर्य और नंदी का चित्र अंकित रहता है। अशोक को ब्राह्मी लिपि में शहर का नाम भगिलय की तरफ खुदा हुआ है। प्रश्न 20 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, निम्न में से किस राजवंश के शासकों के साथ शासकों के नाम मातृसत्तात्मक थे, तो सातवाहन या तो आप लोग जानते हैं, 2006 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर भारत के आर्यजनों के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था, परंतु सातवाहनों में हमें मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। इनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नामों से स्पष्ट है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। रानियों ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान किए, और कई रानियों ने तो प्रतिशासक के रूप में भी काम किया। अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी देखिएगा, पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का उल्लेख नहीं है। इन्हें आंध्र शासन का उल्लेख है, आंध्र शासन को ही सातवाहन कहा जाता है, लेकिन सातवाहन शब्द का जिक्र नहीं है। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहाँ उन्होंने प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत थी, प्राकृत, और सभी अभिलेखों में इसी भाषा में हैं, सभी अभिलेख जो भी हैं इसी भाषा में प्राकृत में ही हैं, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं।
ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चरण टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और देखिए दोस्तों, यह आपका मौर्योत्तर काल है, तो जैसे मौर्योत्तर काल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यह मास्टर वीडियो की सीरीज में जोड़ दिया जाएगा। तो घटना चरण टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री सीरीज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का ऐसी वीडियो है, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और जिनको बहुत ही लंबा वीडियो देखना है तो वह टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो, वहाँ पर मास्टर वीडियो मिलेंगे जो एक टॉपिक के होंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल, वैदिक काल, मौर्य काल, मरुत्तर काल, इस तरह से जोड़ जोड़ कर, धार्मिक आंदोलन जोड़ जोड़ कर वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 41वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह 41वीं सीरीज है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ, 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट के लिए 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वह आपका गौतमीपुत्र सातकड़ी था। गौतमीपुत्र सातकड़ी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। गौतमीपुत्र सातकड़ी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति और पुलमाव के नासिक गुहालेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में जानकारी मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकड़ी के वाहनों ने 3 समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जल पिया था। गौतमीपुत्र सातकड़ी ने नासिक जिले में वेड़कटक नामक एक नगर का निर्माण कराया था। बृहत्कथा से ज्ञात होता है कि हाल ही की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। प्रश्न 22 देखिएगा, गौतमीपुत्र सातकड़ी किस वंश का शासक था? तो मैं बताया हूँ आपको, सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकड़ी। तो विकल्प सी जो है वह है सातवाहन, टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यौनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता था? तो गौतमीपुत्र सातकड़ी, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पुलमावी के नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकड़ी को शक, यवन और पल्लवों के विनाश करने वाला, क्षरात कुल का उन्मूलन करने वाला और सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, गौतमीपुत्र सातकड़ी यज्ञश्री ने नासिक में एक एक विहार बनवाए थे। कन्हेरी के लेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकड़ी के पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की कन्या से हुआ था। प्रश्न 24 देखिएगा, गौतमीपुत्र सातकड़ी के राज सिंह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकड़ी के राज सिंह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो वह था नहपान जी। ऐसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। नहपान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक राज किया। वह सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकड़ी द्वारा पराजित हुआ था और मार डाला गया। जोगथम्पी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकड़ी द्वारा पुनरंकित किए गए थे। मतलब जो सिक्के प्राप्त किए गए थे नहपान के, उसको गौतमीपुत्र सातकड़ी ने फिर से पुनरंकित किया था, मतलब उसने संशोधन करवा दिया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान के जोगथम्पी स्थित कोषागार पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न 25 देखिएगा, गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन है? तो हाल है, हाल नामक कवि है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन शासक हाल ने, यह शासक जो था एक प्रकार का कवि और लेखक भी था। तो सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह प्राकृत भाषा में मुक्तक काव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुड़ाढ़ ने बृहत्कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत व्याकरण के लेखक शव बर्मन ने कातंत्र की रचना की थी। सातकड़ी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। प्रश्न 26 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? तो सातवाहन शासक हाल ने, विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, गिरनार शिलालेख संबंधित है? तो रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार शिलालेख, बी जो है वो सही है आपका। शक संवत 72 ईस्वी में जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों का कृतित्व एवं व्यक्तित्व का विवरण दिया गया है। पाणिनि ने योद्धेयों को आयुधजीवी संघ
या शस्त्रों के सहारे जीवित करने वाला कहा गया है। मतलब शस्त्रों के सहारे जो जीवित रहते हैं उन्हें आयुधजीवी कहते हैं, और पाणिनि ने आयुध योद्धियों को यह कहा है। योद्धियों किसको कहा जाता था? योद्धे पूर्वी पंजाब में स्थित लोगों को योद्धे कहा जाता था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को दक्षिणापतेश्वर कहा गया है, पुराणों में इन्हें पुलोमा कहा गया है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। प्रश्न 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? बेशनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था। एंटियाल किट्स ने शुंग शासक भाग भद्र की विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था, उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया था। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म अपना लिया था। यूक्रेटाइटिस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियाल किट्स था। डिमिट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मीनांडर। हिंदी यमन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली होलिनिस्टिक आर्ट विकसित हुआ था। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह है बेशनगर स्तंभ अभिलेख। PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। प्रश्न 30 देखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है? तो भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेशनगर स्तंभ से। PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 31 देखिएगा, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेलियोडोरस ने। यूपी PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2016 का। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कृष्ट लेख से हेलियोडोरस को भागवत एवं वासुदेव को देव दिवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। प्रश्न 32 देखिएगा, शंखलीप के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? तो शंखलीप के जो लेख हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भरहूत से प्राप्त हुए हैं। TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भरहूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था सन 1873 में खोजा था। यह स्तूप शुंगकालीन है, अब इसमें केवल अवशेष ही विद्यमान है। भरहूत स्तूप भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें लोक जीवन विश्वास सामाजिक परंपराओं का सर्वाधिक शिल्पांकन किया गया है। भरहूत के तोरण द्वारों वेदिका स्तंभों तथा सूचियों पर विविध मनोरंजक चित्र बनाए गए हैं। भरहूत स्तूप अवशेषों से शंखलीप के लेख भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 33 देखिएगा, खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है? तो खारवेल का जो हाथीगुम्बा अभिलेख है, चेदी वंश का शासक था खारवेल, इसका जो खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख है इसमें सिंचाई विषयक कार्यों का जो उल्लेख है वह नंदों का है, मतलब महापद्मानंद का। उसने कलिंग पर आक्रमण किया था महापद्मानंद ने। तो देखिएगा, खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तो उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न 34 देखिएगा, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है? तो प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथीगुम्बा अभिलेख से। और यह जल नहर किसने बनवाया था? यह जल नहर जो बनवाया था महापद्मानंद ने बनवाया था, जो नंद वंश का प्रतापी शासक था। GIC में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 35 देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो गोंदू फर्निच के शासनकाल में। पल्लव वंश का शासक था या गोंदू फर्निच, विकल्प ए। गोंदू फर्निच के शासनकाल में प्रमुख घटना होती सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और तमिलनाडु में यह मारा गया था। ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया था, गोंदू फर्निच के शासनकाल में आया था। गोंदू फर्निस के शासनकाल का एक अभिलेख है तख्ते बाही अभिलेख, जो पेशावर में पाया गया है। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धर्मी अंकित था, धर्मी पार्थियन जो शासक थे, जिस वंश का शासक ही गोंदू फर्निस था, तो पार्थियन शासकों के सिक्कों पर धर्मी अंकित था। धर्मी मतलब धार्मिक। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह मिथिडेटस था, मिथिडेटस। प्रश्न 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक कौन था, मतलब अंतिम यूनानी शासक कौन था? हिप्पोट्रेटस। TGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर भारत में हिप्पोट्रेटस अंतिम ग्रीक शासक था या भारत में यूथिडेमस वंश का अंतिम शासक था? इसका शासन उत्तरी पश्चिमी पंजाब और पुष्कलावती पर था। बारहमेर के होरा विषयक ज्ञान, जिसका संबंध कुंडलियों से है, कि
के ऊपर यूनानी खगोलशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्षेमेंद्रकृत अवदान कल्पता से पता चलता है कि मिनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। मिलिंद पन्हों के अनुसार मिनांडर का जन्म अलसंद मतलब काबुल के समीप सिकंदरिया में हुआ था। प्रश्न 37 देखिएगा, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? तो हिंदू यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? तो बिम कदफिसस ने। और कुषाणों में किसने किया था? बिम कदफिसस ने। विकल्प ए जो है सही, बिम कदफिसस। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग हिंदू यूनानी शासकों ने किया था, लेकिन कुषाणों में बिम कदफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 39 देखिएगा, चीन के शासकों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? तो वह था कनिष्क। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले तो कनिष्क पराजित हुआ परंतु बाद में वह खुद विजयी हुआ। कनिष्क चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म और बुखारा पर भी उसका अधिकार हो गया था। शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने वात्र क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म अस्पष्ट दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान, और कनिष्क ने महायान शाखा को राजाश्रय दिया था। प्रश्न 40 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जात की किस शाखा से संबंधित था? तो कुषाण शासक जो थे यूची जात की किस शाखा से संबंधित थे? तो कुई सुवांग इससे संबंधित थे कुषाण शासक। जीआईसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 2009 में। पानकू के ग्रंथ से ज्ञात होता है कि यूची जाति 5 कबीलों में विभक्त था। फाने के ग्रंथ हांसू में 25 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक यूची जात का इतिहास ज्ञात होता है। इससे पता चलता है कि यूची कबीला कुई सुवांग सबसे शक्तिशाली था, जिसके सरदार कुजुल कदफिसस ने अन्य कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। तो ये व्याख्या भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है TGT PGT नेट हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है TGT PGT नेट ज्योग्राफी के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, बहुत ही सब के सब शानदार वीडियो हैं, ज़बरदस्त वीडियो हैं, घटनाचक्र के कंप्लीट कराया जा रहा है। धन्यवाद आप लोग को। नमस्कार दोस्तों, PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 42 है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र TGT PGT नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो TGT PGT नेट हिस्ट्री का है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ जो TGT PGT ज्योग्राफी का है, लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का हैंड रिटन नोट चाहिए TGT PGT के लिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, मौर्योत्तर काल की सीरीज चल रही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण करवाई है? तो कनिष्क ने उत्कीर्ण करवाई है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क के सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर चतुर्भुजी शिव की आकृति तथा यूनानी भाषा में ओइशो अंकित है। किसी सिक्के पर प्रभा मंडलकृत खड़ी मुद्रा में बुद्ध प्रतिमा और उनके नीचे यूनानी लिपि में बोड्डो खुदा हुआ है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। कनिष्क के सिक्कों पर उत्कृष्ट देवी देवताओं की तुलना में हुविष्क के सिक्कों पर उत्कृष्ट देवी देवताओं की संख्या अधिक है। हुविष्क के सिक्कों पर शिव और बुद्ध की अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। वासुदेव के सिक्कों पर त्रिशूल, पास लिए हुए दो भुजी शिव की आकृति, शिव के पीछे नंदी, यूनानी भाषा में ओइशो उत्कृष्ट है। प्रश्न 42 देखिएगा, कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाई थी तो कहाँ बनाई थी कनिष्क ने अपनी राजधानी? पुरुषपुर। कनिष्क की दो राजधानियाँ थीं, एक पुरुषपुर था और एक मथुरा था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। साम्राज्य विभाजन के बाद कनिष्क ने पुरुषपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, जो साम्राज्य का मध्यवर्ती नगर था। अपनी राजधानी में उसने श्रेष्ठ स्मारकों, भव्य सार्वजनिक भवनों और बौद्धों विहारों का निर्माण कर सुसज्जित किया था। उसने एक महान स्तंभ का निर्माण करवाया जो आश्चर्यजनक कृति मानी जाती है। प्रश्न 43 देखिएगा, रस चिकित्सा का आविष्कारक था
तो रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? तो नागार्जुन ने किया था। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ये। रस चिकित्सा का आविष्कारक नागार्जुन ने किया था। उन्होंने माध्यमिक का प्रतिपादन भी किया था। उनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। माध्यमिक कारिका में नागार्जुन निर्वाण का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जो अज्ञात है, जिसकी प्राप्ति नहीं है, उसका विनाश नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं है, उसी का नाम निर्वाण है। नागार्जुन ने यह बातें कही है माध्यमिक कारिका में, और यह उनकी पुस्तक है। शून्यवाद के अन्य विद्वान चंद्रकृति, शांतिदेव, आर्य देव, शांति रक्षित आदि हैं। ब्रजयान का सबसे अधिक विकास 8वीं सदी में हुआ था। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और गुह्य समाज आदि ग्रंथों में मिलते हैं। प्रश्न 46 देखिएगा। गांधार कला का विशेष प्रभाव था, तो गांधार कला का विशेष प्रभाव था ग्रीक कला और रोमन कला में। विकल्प डी जो है वह आपका सही है, डी। पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पे आइएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय और यूनानी आकृति के सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। प्रश्न 45 देखिएगा। गांधार कला शैली का शुभारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क वंश के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध की भू स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा और प्रसिद्ध मुद्राओं का निर्माण किया गया है गांधार कला के तहत ही, और यह जो भी मूर्तियां बनी हैं यह गुप्त काल में बनी हैं। प्रश्न 46 देखिएगा। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक स्तूपों, विहारों एवं मूर्तियों का निर्माण करवाया गया था। इस समय तक शिल्पकारी एवं मूर्ति निर्माण के लिए मथुरा के कलाकार दूर दूर तक प्रख्यात थे। मथुरा शैली की मूर्तियाँ मूलतः लाल बलुआ पत्थर से बनी है। गांधार मूर्तियों का विपरीत यह सभी आध्यात्मिकता एवं भाव प्रधान है। प्रश्न 47 देखिएगा। बुद्ध चरित का रचनाकार कौन था, लेखक कौन था? तो उसके रचनाकार थे अश्वघोष। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अश्वघोष नागार्जुन, पार्श्व और चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में संबंधित हैं। अश्वघोष की रचनाओं में से तीन प्रमुख हैं, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण आदि है। यह जो तीनों रचनाएं हैं अश्वघोष की रचनाएं हैं। इन्हें प्रथम दो महाकाव्य, देखिए बुद्ध चरित और सौंदरानंद जो है महाकाव्य है, और सारिपुत्र प्रकरण जो है यह एक नाटक है जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। संरक्षक, देखिए संरक्षक कनिष्क के पुरोहित थे। कनिष्क के पुरोहित का नाम क्या था? संरक्षक। विद्वानों ने अश्वघोष की तुलना मिल्टन, कॉन्ट और वाल्टेयर आदि से की है। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता सूत्र की रचना की थी। प्रज्ञापारमिता जो ग्रंथ है वह नागार्जुन का है, नागार्जुन ने रचना की थी। प्रश्न 48 देखिएगा। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक जो है अश्वघोष हैं। विकल्प सी, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 49 देखिएगा। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो वो हैं अश्वघोष। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 50 देखिएगा। बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित के लेखक थे अश्वघोष थे, विकल्प ए। प्रश्न 51 देखिएगा। अश्वघोष का संबंध किससे था? तो कुषाण काल से संबंधित था। कुषाण काल से कनिष्क के दरबारी थे। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 52 देखिएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। यह कई बार रिपीट हो रहे हैं, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 53 देखिएगा। चरक किस शासक के शासनकाल में रहते थे? तो यह रहते थे कनिष्क के शासनकाल में, टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न 53। प्रश्न 54 देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए पहले। आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान चरक कनिष्क के दरबार में निवास करते थे। चरक संहिता के रचयिता चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। यह औषधि शास्त्र प्राचीनतम रचना है चरक संहिता, जो चरक ने लिखा था। प्रयाग लेख से सूचित होता है कि कुषाण शासक देवपुत्र के अतिरिक्त शाही और सहानुग्रही की उपाधि धारण करते थे। शाही सामंत या सहानुग्रही से पता नहीं क्या लिखा है। कल्हड़ की रात रंगड़ी से पता चलता है कनिष्क का कश्मीर पर अधिकार था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जो चीज़ पढ़ने में असुविधा हो रही है आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रश्न 54 देखिएगा। शक संवत कब प्रारंभ होता है? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है। विकल्प बी जो है सही आपका, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी से माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। यह ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी।
और प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी 319 ईस्वी में। कली संवत की स्थापना, कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न 55 देखिएगा, कनिष्क ने 78 ईस्वी में जिस संवत की स्थापना की थी वह था शक संवत। प्रश्न 56 देखिएगा, यहाँ पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो देख लीजिए, कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, भूविष्क और वासुदेव द्वितीय। इस तरह से आप काल क्रम में विकसित कर लेंगे तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण राजवंशों के सम्राटों का काल क्रमानुसार निम्न है, भूविष्क, कनिष्क द्वितीय, यह इन लोग का देखिए क्रम है, मतलब कब कब इन लोगों ने शासन किया था ईस्वी में। प्रश्न 57 देखिएगा, किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव था? तो गांधार कला का किस कला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था? तो यूनानी कला पर। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार कला और मथुरा कला। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिला था, गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित था। प्रश्न 58 देखिएगा, किस शासक ने गांधार कला शैली का संरक्षण दिया था? तो कनिष्क ने। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है आपको। तो देखिए, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, या तो आपका असत्य कथन कौन है, असत्य कथन कौन है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। तो बिल्कुल जो प्राचीनतम सिक्के हैं, मतलब महाजनपद काल में, महाजनपद काल से सिक्के बनने लगे, तो उस पर कोई अभिलेख ही साक्ष्य नहीं मिलता है। शातवाहनों ने सिक्के की शीशे के सिक्के ढलवाए थे, यह भी सही है। गुप्त शासकों ने रुपये के नामक चांदी का सिक्का ढलवाया था, यह भी सही है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया, स्वर्ण, हर्षवर्धन नहीं, हिंद यूनानी शासक जो थे उन्होंने प्रारंभ किया था भारत में सोने का सिक्का। टीजीटी परीक्षा 2005 पूछा गया प्रश्न है। तो भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा प्रारंभ किया गया था, कथन असत्य है, क्योंकि भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन इंडो ग्रीक शासकों द्वारा शुरू किया गया था। शेष तीनों विकल्प सत्य हैं। गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था, सातवाहनों ने चांदी, तांबे, केतरी, शीशे के सिक्के भी ढलवाए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में शीशे सिक्के के लिए कहापड़ अर्थात कारसापड़ का उल्लेख किया गया है। खुदाई में अधिकतर चांदी के ही सिक्के मिले हैं, केवल कुछ ही तांबे के हैं। तांबे का कारसापड़ 146 ग्रेन का और चांदी का कारसापड़ 180 ग्रेन का होता है, इन्हें आहत सिक्के भी कहते हैं। वृषड़ी गणराज्य के सिक्कों पर वृषड़ी राजन गणराज्यम यह उत्कीर्ण है। अगले प्रश्न पे आइएगा, प्रश्न संख्या 60, किस काल में मथुरा मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र था? यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो लाल बलुए पत्थर से मथुरा में मूर्तियाँ बनती थी। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कुषाण काल में मथुरा मूर्तिकला एक प्रमुख केंद्र था, यहाँ मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा मूर्तिकला का एक विशेष रूप से वृत्तानुष्ठिक पट्टियों द्वारा परिलक्षित होता था, जिसे अयक पट्ट भी कहते थे, जिन्हें जैन मंदिरों में अर्हतों की आराधना के लिए खड़ा किया जाता था। प्रश्न 61 देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का श्रेय किसे जाता है? एक अज्ञात यूनानी नाविक को, इन्होंने ही पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा था। 80 से 115 ईसा ईस्वी के बीच किस अज्ञात यूनानी द्वारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी गई थी? पेरिप्लस का अर्थ नौचालन, चार्ट या यात्रा, यात्री पुस्तिका है, इसी के सहारे यात्रा किए जाते थे समुद्र में। इरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर। प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में रोम से सारा सोना भारत पहुंचाने पर दुख व्यक्त किया है। रोमन निवासी भारतीय मसाले रत्न, वस्त्र, अनुपशु पक्षियों में तोता, मोर आदि को पसंद करते थे। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात था? तो इस पुस्तक में कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो अपने मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वह था कोरकई। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पेरिप्लस में कोरकई का नाम कालची मिलता है, यह पांड्यों की बंदरगाह राजधानी थी, यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। पेरिप्लस के अनुसार फारस की खाड़ी से भृगुकच्छ में दासों का निर्यात होता था। पेरिप्लस चेर राज्य में स्थित है, इसका नाम क्रेंगा मोरे भी है। यहाँ से निर्यात की वस्तुओं में हाथी दांत की बनी वस्तुएं, मसाले, लोहे और लकड़ी की बनी वस्तुएं आदि शामिल थी। प्रश्न 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन होता है? तो किस ग्रंथ में कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। अंगुत्तर निकाय महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है, यह सूत्र पीठक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के बीच उपदेश है। अंगुत्तर निकाय में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्ण विहीन होता है। प्रश्न 64 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोड़ी के नाम से दीप पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में लेखक को ज्ञात है? तो वह है अरिकामेडू। टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अरिकामेडू पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक पोड़ी को कहता है कि यह विकल्प
देखिए यहाँ पर जो अरिका अरिका मेडू जो शब्द है वह द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेंसी में वह अरिका मेडू ही है। प्रश्न 65 देखिएगा, प्राचीन काल आंध्र प्रदेश के करीम नगर और नलकोंडा जिले किस खनिज उत्पादन के प्रसिद्ध थे? तो लोहा इस्पात। देखिए करीम नगर में लोहा और नलकोंडा में इस्पात आदि का इस्पात के लिए विख्यात थे। आंध्र प्रदेश के करीमनगर और नलकोंडा जो तेलंगाना क्षेत्र में स्थित है लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ से लोहे के औजार तराजू की डंडी कुल्हाड़ियाँ फाल उस्तरा हसिया करछुल आदि लोहे की वस्तुएं बनाई जाती थीं। पतंजलि मथुरा के साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र के बारे में वर्णन करते हैं। तो महर्षि पतंजलि जो हैं यह मथुरा में साटक और चित्तौड़ के माध्यमिका वस्त्र, मतलब साटक एक प्रकार का वस्त्र होता था, चित्तौड़ में माध्यमिका एक वस्त्र होता था, इसका वर्णन भी पतंजलि ने किया है। रोम की शीशे की वस्तुएं तक्षशिला और अफगानिस्तान में मिली हैं। तक्षशिला और अफगानिस्तान से रोम की शीशे की वस्तुएं मिली हैं। कुषाण लोग सोना मध्य एशिया की अल्ताई पहाड़ी से प्राप्त करते थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को फॉलो करिए। 10-15-20 क्वेश्चन करके पूरी आपको सीरीज कंप्लीट कराई गई है। एक बात और बता दूँ, कुछ लोगों को जैसे यह दिक्कत है, कुछ चाहते हैं लोग कि लंबा वीडियो बनाए, 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाए, तो देखिए दोस्तों मास्टर वीडियो भी की सीरीज भी बनी हुई है, घटना चक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से। जैसे मान लीजिए यह आपका मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया, 63-64 क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गया, तो इसकी एक मास्टर सीरीज बना दी जाएगी। तो आप मास्टर वीडियो फॉलो करिएगा, जो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा, चाहे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ऐसे करके आपको सभी सारे मास्टर वीडियो आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे इतिहास के। तो आप लोग मास्टर वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं। अब कल सब शुरुआत गुप्त या गुप्तोत्तर काल से करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग।